फाइनली आ चुका हूँ हीरो की नई नवेली जूम के साथ। अब ये स्कूटर कितनी कमाल की है जानेंगे आज की इस वीडियो में स्कूटर को चलाने के बाद। बट फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्कूटर किस तरीके से सिखाई पड़ती है, क्या इसके अंदर सारे हाइलाइट्स मिलते हैं, उसके बाद स्कूटर को लेकर चलेंगे राइड पर और आप लोग को एक्सपीरियंस करके बताएंगे कि ये हीरो जूम चलने में कैसी है। दिखने में तो बहुत कमाल की दिख रही है। अगर थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह की बात करता हूँ तो अगर आप लोग पहली बार स्कूटर को देखेंगे तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि आप लोग हीरो की जूम को देख रहे हैं या फिर आप लोग टीवीएस की एंटॉर्क को देख रहे हैं, क्योंकि इस स्कूटर का जो डिज़ाइन दिया गया है वो काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई पड़ता है। अगर आप लोग उसको फ्रंट से देखते हैं तो आप लोग को लगेगा, साइड से आप लोग को लगेगा कि ये एंटॉर्क है, बट सामने से जब आते हैं तो यहाँ पर जो LED DRS दी गई है इसको मैं ऑन करके अगर आप लोग को दिखाता हूँ तो ये देखिए ये H वाला जो फील दे रही है ये बिल्कुल आप लोग को बता रही है कि ये हीरो की स्कूटर है। और यहाँ पर हीरो ने इंटीग्रेशन कर दिया है अपने H का इनिशियल लेटर का और लुक्स स्कूटर के अंदर कुछ इस तरीके से मिलते हैं। मेरे सामने खड़ा है हीरो जूम का टॉप वेरिएंट और टॉप वेरिएंट है ZX वेरिएंट, जिसमें आप लोग को यहाँ पर 3D लोगो मिल जाता है जूम का, बहुत ही डिफरेंट सा लुक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है छोटा सा, ये भी बिल्कुल सिमिलर है एंटॉर्क की तरह। ब्रेक्स की बात करते हैं, फील की बात करते हैं तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई ही पड़ रहा है, बट यहाँ पर जो साइड मिरर्स दिए गए हैं इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आप लोग को एंटॉर्क मिलता है उससे थोड़ा डिफरेंट आप लोग को यहाँ पर इसके लुक्स मिल रहे हैं। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जूम मिल रहा है, क्योंकि ये डेबो वाला मॉडल है तो यहाँ पर डेबो लिखा हुआ है, लेकिन जब आप लोग नॉर्मल स्कूटर लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। सीट देखते हैं तो सीट काफ़ी वाइड है, राइडर के लिए काफ़ी वाइड सीट मिल रही है। यहाँ पर आप लोग को जो सीट मिल रही है, यहाँ पर जो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे वो काफ़ी शोर मचा रहे हैं, उनको भी शायद पसंद आ रही है ये हीरो जूम। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पीछे आप लोगों को अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ पकड़ने के लिए तो है ही नहीं, बट यहाँ पर पकड़ने के लिए दिया हुआ है। देखिए नीचे यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को पकड़ने के लिए ऐसे हैंडल दिया गया है जो इसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। और दूसरी हाईलाइट ये है कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ व्हील्स वगैरह की तो देखिए व्हील्स में आप लोग को यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल रही है, रियर में आप लोग को ड्रम ब्रेक मिल रही है, बाइब्री के कैलिपर्स दिए जा रहे हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, इस जगह पर सस्पेंशन दिए गए हैं और यहाँ पर आप लोग को ड्रम ब्रेक्स ही मिल रही हैं। और इस जो यहाँ पर एलॉय व्हील्स दिए गए हैं वो इस टॉप मॉडल के अंदर मिलते हैं, बट अगर आप लोग इसके बेस वेरिएंट में जाएंगे तो आप लोग को मेटल शीट मिलती है, कोई एलॉय व्हील्स नहीं मिलता है, मशीन कट नहीं मिलता है। तो स्कूटर के लुक्स कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, बट यहाँ पर अगर बात करते हैं फीचर वगैरह की तो स्कूटर में यहाँ आप लोग को हाई बीम के लिए दिया है ऑप्शन, लो बीम है, इंडिकेटर्स है, हॉर्न है, कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। यहाँ पर i3s की बैजिंग मिल रही है और आप लोग को i3s का फीचर दिया जा रहा है। यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी प्रैक्टिकल जगह पे है, बट हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा लेग रूम जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, बट उसको भी बताऊँगा अभी किस तरीके से लेग रूम वगैरह फील होता है। यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल की ऑप्शन मिल रहा है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बूट भी खोल लेते हैं इसका और देखते हैं, बूट के लिए आगे से ऑप्शन नहीं है, यहाँ पीछे से ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो के अंदर मैंने वीडियो बनाई है जहां पर सारे वेरिएंट्स के डिफरेंसेस बताए हैं। तो हेलमेट रख के देखा था मैंने, आता है या नहीं आता है, बंद होता है या नहीं होता है, वेरिएंट्स वाली वीडियो में देख लीजिएगा, बट फिलहाल यहाँ पर देखने में काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर जो फ्यूल टैंक मिल रहा है कुछ इस तरीके से ओपन होता है और इसके अंदर 5.2 लीटर्स की कैपेसिटी मिल जाती है। तो ये सारे कुछ हाईलाइट्स हैं स्कूटर की लुक्स वगैरह के अंदर। फीचर्स मैंने आपको बता दिया है कि टॉप वाले मॉडल के अंदर आप लोग को यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। अगर यहाँ पर चाबी लगाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ब्लू यहाँ पर लाइट्स आती हैं, और अगर VX वाला मॉडल खरीदते हैं यानी बेस वाला मॉडल तो वहाँ पर आप लोग को ऑरेंज लाइट मिलती है, और जो इसका बेस वाला मॉडल है वहाँ पर आप लोग को सेमी डिजिटल मिलता है। VX वाला जो वेरिएंट है मिड वाला उसमें आप लोग को ऑरेंज लाइट मिलती है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसी तरीके से पूरा डिजिटल मिलता है, पर ये जो टॉप वाला वेरिएंट है यहाँ पर आप लोग को फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को ऑडोमीटर मिल रहा है, ट्रिप मीटर मिल रहा है, एवरेज फ्यूल आ रहा है यहाँ पर, मतलब रियल टाइम फ्यूल आता है, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ दिया है, टाइम आ रहा है, स्पीडोमीटर आ रहा है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है तो आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मिलती है। ये देखिए जब इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर आप लोग को ये मैसेज, मोबाइल की बैटरी, यहाँ ब्लूटूथ का इंडिकेटर आ रहा था, और यहाँ पर कोई मिस कॉल वगैरह है तो यहाँ पर उसके अलर्ट्स भी आप लोग को मिल रहे हैं, यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो स्कूटर के अंदर दी जा रही हैं। आइए चलते हैं स्कूटर को चला कर देखते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या फील है इस स्कूटर का, और फिर मैं बताता हूँ कि
एक्चुअल में स्कूटर चलने में एंटोर की तरह है या फिर उससे अलग है या फिर उससे बेहतर है या फिर उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये इंजन जो है वो डिफरेंस है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देता हूँ स्कूटर को स्टार्ट करने से पहले, इसके बाद चलते हैं सीधा राइट पर लेके। देखिए स्कूटर के अंदर यहाँ पर आप लोग को कॉर्नरिंग लाइट्स दी गई हैं, ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में ये इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पर लाइट है, इंडिकेटर तो ऊपर दिया गया है, वो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर है, कुछ इस तरीके से इंडिकेटर ऑन होता है, ये देखिए। और यहाँ पर कॉर्नरिंग लाइट है, मतलब यह है कि जो कार में आप लोग को कॉर्नरिंग लाइट मिलती है ना, कि जब आप लोग विजिबिलिटी शुरू जो होता है वो सामने होता है, बट जब आप लोग अगर राइट लेफ्ट मोड़ते हैं या राइट मोड़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग को कॉर्नरिंग लैम्प जो है वो ऑन हो जाते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल फीचर है और फर्स्ट इन सेगमेंट है और स्कूटर में पहली बार देखने को मिल रहा है, जो हीरो ने अपनी स्कूटर में दिया है हीरो जूम के अंदर। और आइए चला कर देखते हैं स्कूटर किस तरीके से चलती है। तो चलिए स्कूटर को राइड करते हैं और देखते हैं कि भैया कैसे फील होती है ये स्कूटर। इनिशियल पिकअप काफ़ी कमाल का है, फील दे रहा है मुझे एंटॉर्क वाला। काफ़ी बैलेंस है, मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप लोग थोड़ा सा जो है शेकी है, क्योंकि स्कूटर जो है वो लाइट वेट है, 109-108 केजी की ये स्कूटर है। और स्कूटर को अगर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो हॉर्न मिल रहा है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। स्कूटर की पर्सनालिटी काफ़ी रोबस्ट सी है और काफ़ी मस्कुलर सी दिखाई पड़ती है, बट जो हॉर्न है वो थोड़ा सा मुझे मासूम सा लग रहा है, कमज़ोर सा लग रहा है, जो थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, बट वो तो आप लोग अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। क्योंकि और ऐसा हॉर्न लगवाइए कि जो आप लोग की डीबी वैल्यू को भी मैच करे, ऐसा ना हो कि आपका चलान हो जाए। तो सबसे पहले बात करूंगा एक्सेलरेशन की कि भैया एक्सेलरेशन कैसा फील होता है। बहुत बढ़िया है और मैं ऐसे क्लोज सर्किट पे चला रहा हूं, फिर भी मुझे लग रहा है कि मतलब यहां पे इतनी बिजी रोड है फिर भी ये स्कूटर इजीली 40-45-50 इजीली टच कर जाती है। एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है, बहुत ही निम्बल है, बहुत ही लाइट वेट फील हो रही है, और ये चीज़ ऐसी स्कूटर के अंदर अगर मिल जाए तो फिर तो चार चांद लग जाते हैं। ये देखिए इजीली चल रही है, मतलब मैं अगर इसको थोड़ा सा फास्ट भी चलाता हूँ तो बहुत इजीली निकल जा रही है। अब देखिए सबसे पहले हैंडल की बात करता हूँ, हैंडल थोड़ा सा मुझे लो हाइट लग रही है अपने हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट जो है वो 5'8" है, और अगर आपकी हाइट भी 5'8" ही है तो आपके लिए थोड़ी सी मतलब जो है आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा ऊंची स्पेस पे बैठे हैं, क्योंकि सीट की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम दी गई है ताकि सभी लोग चला सकें। मतलब अगर आपकी हाइट छोटी है ज़्यादा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हाइट वाले हैं तो आप लोग को लगेगा कि आपका हैंडल वगैरह जो है उससे आप लोग के पैर टच हो रहे हैं। देखिए जो एंटॉर्क में भारीपन फील होता है ना, वो इसमें मुझे फील नहीं हो रहा है, मतलब भारीपन इन द सेंस कि मैं अगर उसको चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है, बट ये बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत लाइट वेट चल रही है। ब्रेकिंग पावर अच्छी है, इजीली बाइक स्कूटर जो है वो रुक पा रही है। फ्रंट में आप लोग को डिस्क ब्रेक मिल रही है। इंजन की बात करता हूँ तो देखिए स्कूटर के अंदर जो इंजन दिया जा रहा है वो 110 सीसी का है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही सेम इंजन है जो हीरो ने माइस्ट्रो के अंदर यूज़ किया है। स्कूटर की अगर पावर वगैरह की बात करता हूं, देखिए 8.05 bhp की पावर मिलती है, 8.70 nm का टॉर्क मिल जाता है, और जो जुपिटर आती है यानी 110 सीसी में जो जुपिटर आती है, 125 वाली नहीं, 110 सीसी वाली जो जुपिटर आती है उससे बेटर पावर मिलती है। उसके अंदर आप लोगों को 7.77 के आसपास मेरे ख्याल से पावर मिलती है, और इसमें आप लोगों को 8 bhp क्रॉस कर जाती है। तो छोटे मोटे डिफरेंसेज जो होते हैं छोटे मोटे वो स्कूटर के हिसाब से काफ़ी बड़े बन जाते हैं जब आप उसको चलाते हैं और फील करते हैं। और इसके अंदर जो साउंड आ रहा है ना, ये काफ़ी मुझे रिजेंबलेंस दे रहा है TVS एंटॉर्क की। तो अगर आप लोग का मन था कि आप लोग TVS एंटॉर्क लें, बट अगर आप लोग को एक कम प्राइस में ऐसी स्कूटर चाहिए जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी, वो यही है हीरो की जूम, जो हाल ही में लॉन्च हुई है, बहुत ही कमाल की है। फीचर वगैरह भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहे हैं, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, इसके अंदर आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, बेस मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। विजिबिलिटी की बात करता हूं तो इजीली आप लोग यहां पर इसको शिफ्ट कर पाते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। अभी थोड़ा सा ये न्यू स्कूटर है तो ये काफ़ी टाइट फील हो रही है,
बट मेरे हिसाब से विजिबिलिटी है, शोल्डर लाइन वगैरह मुझे दिख रही है, पीछे के व्हीकल मुझे इजीली दिखाई पड़ रहे हैं। और लेग रूम देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग को हो सकता है कि लेग रूम कम दिखाई पड़े, लेकिन जब आप लोग उसको यहाँ पर चला रहे हैं ना, जो यहाँ पर इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कर्व इसके अंदर दिया गया है, जो नीचे बकेट्स दी गई हैं जहाँ पर आप लोग सामान वगैरह रख सकते हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग बहुत टाइट स्पेस में हैं, आप लोग को लेग रूम नहीं मिल रहा है। तो लेग रूम वगैरह मिलेगा, ईजिली आप लोग बैठ पाएंगे और आप लोग कम्फर्टेबली स्कूटर को चला पाते हैं। थोड़ा स्पीड टेस्ट करते हैं इसका, छोटे से स्पेस में, ज़्यादा स्पीड में नहीं जाऊँगा। देखिए 75 की स्पीड तो ये स्कूटर इजीली टच कर गई है, मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि इंजन जो है काफ़ी पुश मार रहा है, बहुत ही स्मूथ है, मतलब स्मूथनेस का कोई कमाल नहीं है। ये स्मूथनेस आप लोग को इसके राइवल्स में भी जल्दी देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्कूटर बनाई गई है हीरो की तरफ से, काफ़ी देख समझ के उन्होंने ईजिली जो है मतलब ऐसी स्कूटर बना दी है जो सेगमेंट के बड़े बड़े राइवल्स को टक्कर दे सकती है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। सस्पेंशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये कम्फर्टेबल है, यस कंफर्ट भी बढ़िया है। फ्रंट में आप लोग को जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, वहीं रियर में आप लोग को सिंगल सस्पेंशन दिया जा रहा है, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइट फील नहीं होता है, बट हाँ ऐसे लगता है कि आप लोग को एक तरफ से शॉकर मिल रहा है, मतलब वो इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि आप लोग को थोड़ा सा, मेरे हिसाब से अगर डुअल सस्पेंशन दे दिया जाता या फिर एक प्रॉपर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाता तो स्कूटर के अंदर जो हाँ जो डैम्पिंग है वो और थोड़ी बेटर हो सकती है। थोड़ा सा भी हार्ड फील हो रही है ये, लेकिन ट्रैफिक में चला रहा हूँ, हार्ड कोर ट्रैफिक में चला रहा हूँ मैं इसको, बहुत ज़्यादा हाईवे पे नहीं चला रहा हूँ। इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि आप लोग नॉर्मली स्कूटर जो है वो हाईवेज़ पे बहुत कम चलाते हैं लोग, आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफिस वगैरह जाना, कॉलेज वगैरह जाना, या फिर अगर तब जाते हैं तभी चलाते हैं। बट अगर आप लोग गलियों में चलाते हैं, आप लोग ज़्यादा काम नहीं है आपको, मतलब आप लोग डेली जो लाइफ में सामान वगैरह लाते हैं वो गलियों में ही चलाते हैं, इसी तरह का वहाँ पर कंडीशन रहती हैं, ट्रैफिक रहता है, ब्रेकिंग टेस्ट हो जाती है। ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं थोड़ा साइड में ले जाके स्कूटर की, तो यहाँ पे सरफेस थोड़ा सा ठीक नहीं थी, आगे लेके चलता हूँ वहाँ पर टेस्ट करता हूँ कैसा ब्रेक वगैरह इसके अंदर आ रही है। तो बहुत ही कमाल की है ब्रेकिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को बहुत हार्ड ब्रेक दबाने से झटका आ जाएगा या टायर स्किट हो जाएगा। ड्रम ब्रेक्स हैं पीछे, बट वो बिल्कुल आप लोग को टायर स्किट नहीं होने दे रही हैं। तो हार्ड कोर ट्रैफिक में ईजी फील हो रही है, निम्बल है, हैंडल बहुत वो है, रिफाइंड है, सही मतलब बैलेंस लगती है स्कूटर। बट हॉर्न के बारे में मैं अगेन कहूँगा, हॉर्न मुझे थोड़ा सा मासूम सा लग रहा है, लोग जल्दी हटेंगे नहीं, सामने आ जाएंगे। फिर से एक बार एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं इसका, कहाँ तक जा पाती है। बहुत बढ़िया, 70 इजीली टच कर रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, मज़ा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्कूटर के अंदर कंफर्ट भी मिल रहा है, लुक्स तो बहुत कमाल के मिल रहे हैं, मतलब आपसे लोग अब पूछने वाले हैं कि आपने कौन सी स्कूटर ली है जो नई है और जो इंटरेस्टिंग सी है, आपके फ्रेंड से बेटर स्कूटर बनने वाली है। क्योंकि जो प्राइस रखा गया है ना, मेरे हिसाब से 71,000 रुपीज़ जो यूपी में इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और 76,000 रुपीज़ अगर आप लोग टॉप मॉडल जो मैं चला रहा हूँ ZX को अगर लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बुरी चॉइस नहीं है, बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा गया है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल की बात है। तो देखिए, अगर मैं आप लोग से कहूँ कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, उससे पहले बाइक को थोड़ा, स्कूटर को थोड़ा स्टैंड पर लगा लेते हैं। स्टैंड कैसे लगता है ज़रा देखते हैं, कोई टाइट वगैरह तो नहीं है। सिंगल स्टैंड नहीं लगा है, एक न्यू स्कूटर है। देखिए i3s ने काम कर दिया, मैंने आपको स्टैंड लगाया, स्कूटर ऑफ नहीं किया, इसने अपना काम कर दिया, इसने स्कूटर को बंद कर दिया क्योंकि i3s ऑन था। अभी आपका फ्यूल बचाएगी, अगर मैं अभी स्टैंड लगा रहा होता, स्कूटर ऑन होती, फिर मैन्युअली बंद करता और भूल जाता, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो देखिए यहाँ पर पकड़ने की जगह दी है, ईजिली पकड़िए, लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशन दी गई स्टैंड की, वो थोड़ी सी पीछे है, सेंटर की तरफ होती तो आप लोग को थोड़ा सा ईजिली पुश कर पाते या इजीली उतार पाते, बट ये थोड़ा सा पीछे है तो थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। बट उसके अलावा स्कूटर बहुत स्टाइलिश है, एंटॉर्क की छोटी बहन लग रही है, बट कंपनीज अलग हैं तो बहन नहीं कहा जा सकता है। तो स्कूटर बहुत कमाल की है, 71,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है, 76,000 रुपीज़ टॉप मॉडल का प्राइस है जो मेरे सामने खड़ा है। फीचर्स आप लोगों को सारे मैंने स्क्रीन पर बता दिए हैं कि कौन से फीचर इसके अंदर मिल रहे हैं।
लुक कैसे लगे हैं, स्कूटर कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और मुझे बताइए कि हीरो जूम आपको कैसी दिखाई पड़ रही है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है, पसंद आई है, लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हाई।